हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 143 का भाई 44 का भाई नेक्स्ट पार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई, क्योंकि पिछले बार में जैसा आपने भाई देखा कि अब हनुमान जी बिल्कुल आ गए हैं भाई पास ही, और सामने फिर राक्षस आ गए। अब देखते हैं कि आगे भाई क्या होता है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। कोई पाताल लोक में घुस आया है और निश्चित ही वो इस बार की ओर आएगा। ये भी चिंता, अपने अपने शस्त्र तैयार रखो। ओ, लो है। और सतर्क रहो। पथक प्रमुख जी, आपने तो कहा था आज नरमांस खाने को मिलेगा। है? सोन खाते और मिलेगा, मिलेगा, अच्छा अवश्य मिलेगा। महाराज यही और महाराज वही को राम और लक्ष्मण की बलि तो देने दो। और ये अच्छा किया, बता बलि कब दी जाएगी प्रभु जी ने सुन लिया। सूर्यास्त के बाद इनकी नहीं कह रहा, और दो स्पीड से काम करेंगे। सूर्य देवता आज जल्दी अस्त हो जाइए। कर लेते हैं सूरज हनुमान जी खा ना जाए। ये अब देखें, पहले तो इधर अपना काम थोड़ा करेंगे। पिताश्री, हे सूर्य देव, मुझे दर्शन दीजिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपकी शरण में आया हूँ। मेरे लिए प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। हे सूर्यदेव, आपके शिष्य को आपकी सहायता चाहिए। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं अनुग्रहित हुआ सूर्यदेव, जो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। सबसे अधिक बलशाली, सामर्थ्यशाली होकर भी तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों? आप तो सर्वज्ञ हैं सूर्यदेव। पाताल लोक के स्वामी अही और मही आज आपके अस्त होने के बाद मेरे प्रभु श्री राम की बलि चढ़ाने वाले हैं। हे आदिदेव, मेरी आपसे प्रार्थना और अनुरोध है कि मैं जब तक अपने प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को अही और मही के बंधन से मुक्त न करा लूं, तब तक आप आकाश में स्थित रहिए, अस्त ना होइए। तुम्हारे जैसा शिष्य, तुम्हारे जैसा भक्त और तुम्हारे जैसा सेवक केवल भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। सही बात। तुम तो त्रिलोकी के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम और सौमित्र की रक्षा करना चाहते हो। तुम्हारे इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। क्या बात, क्या बात है। जब तक तुम श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त नहीं करा देते, मैं अस्त नहीं होऊंगा। अब नहीं खैर गई इनकी। राक्षस जाति अब गई। वो दोनों किधर गए? द्वार खोलो। कौन हो तुम जो बार बार अपनी मृत्यु का द्वार खटखटा रहे हो? मैं लंकापति दशानन रावण का संदेश वाहक हूँ। संदेश देके चले जाओ। संदेश केवल महाराज अही मही को ही सुनाने का आदेश है, और हमें महाराज अही का आदेश है कि ये द्वार रात्रि से पहले किसी के लिए नहीं खुलेगा। तुम चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो तुम्हें पालकी में बिठा कर मृत्यु लोक के पास भेज दूंगा। तो बड़े बड़े राक्षस भी मौजूद है। Ha 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 ha!
चले जाओ और ना जाओ तो निश्चित है कि तुम इस दरवाजे से अंदर नहीं जाओगे। मेरे मुख से मेरे पेट में अवश्य जाओगे। हंस क्यों रहे हो? क्या मृत्यु से पहले हंसने की प्रथा है पाताल लोक में? कहा तुमने? मैं तुम्हें एक अवसर और दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। चांस दिया जाएगा। तो तुम मुझे मारोगे वानर? लो जी, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में ही मसल दूंगा कीड़े मकोड़ों की तरह। थोड़ा वेट करें। ये तो आंखों से हो गया क्या? ये गया भाई। देखता है उस बानर के साथ खेल रहा होगा।
आज्ञा गुरुदेव। सूर्यास्त होते ही यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और कुल देवता को बलि चढ़ाई जाएगी। आप धन्य हैं गुरुदेव, इसलिए आप देवता को अर्पण करने वाली बलि पवित्र कर लीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई हनुमान जी जैसे आगे आ गए हैं, लेकिन उनके सामने भाई एक राक्षस हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा काम किया ना हनुमान जी ने, उन्होंने भाई सबसे पहले सूर्य नारायण को भाई बोला कि आप आज भाई बादलों के अंदर नहीं जाना, बस यहीं खड़े रहें जब तक भाई हम सेफ नहीं कर लेते भाई हनुमान सॉरी लक्ष्मण जी को और राम जी को। क्योंकि यहाँ पर बड़ी भाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ढूंढना थोड़ा तलाश करना मुश्किल हो रहा है। अब जैसे देखे ना कि ये इतना बड़ा राक्षस आया और उन्होंने भाई इतना टाइम निकाल दिया भाई हनुमान जी के सामने और उनके साथ वो भाई ये चीज़ें हैं। फिर आगे दीवारें कितनी हैं, इतनी दीवारें फैला कर वो आगे आए हैं, आई और मई और एक आई आगे बहुत बड़ा और राक्षस है, और जिसको भाई बोला था कि आपने भाई ख्याल रखना है कि इससे आगे ना कोई आ पाए। और वो भी बड़ा हो गया भाई, पता तो चल गया था कि जब से मतलब के एक हनुमान जी समंदर छलांग कर रहे हैं ना, वो एक पानी में तब्दील हो गया, उनको भी पता चल गया था कि भाई कोई ना कोई इंटर हो गया। मतलब अब देखो ना, एक मतलब के सूर्य नारायण को हनुमान जी के भाई शिक्षा भी उनसे ली हुई है हनुमान जी ने, और जैसे भाई उनको मतलब के पुकारा है तो वो आ गए और उनसे भाई एक मतलब के विनती की है कि आप आज मतलब के गुरूब नहीं आपने होना। तो इसी वजह से वो तो एक चिंता भाई एक सवाल होगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक चिंता थी। लेकिन एक इधर और भी अच्छी बात होगी कि हनुमान जी को पता चल गया कि राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वो करने क्या जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह वो प्लानिंग कर रहे थे कि आज हमें पहली दफ़ा जो है ना वो एक मनुष्य का मनुष्य हाँ मनुष्य का पता चलेगा, आप मौका मिलेगा और उसके ऊपर जो है ना भाई हनुमान जी ने ये चीज़ सुन ली। और साथ ही उनको जो है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा था, साथ ही वो पहले जो है ना वो गए हैं वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की है और उधर से टाइम तो मिल गया है कि मतलब उस वक्त तक नहीं ग्रुप होंगे जब तक जो है ना उधर से नहीं आज्ञा मिलेगी। लेकिन इधर भी एक बहुत बड़ा राक्षस आया और आया तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ था, लेकिन ये उसका किरदार बहुत बुरा ही हो गया बेचारे के साथ है। लेकिन दरवाजा जो नहीं खुद रहा था वो एक लम्हे के लिए भाई उन्होंने तोड़ दिया है, और साथ ही आपको इंटर उधर से वो भी भाई तैयारी तो फुल कर रहे हैं, बड़े तंबल के साथ लगे हुए हैं वो भाग हैं, तैयारी तो तैयारी कर रहे हैं, नहीं तैयारी कर रहे हैं ना कि बलि देने के लिए। वो बहुत बलि जो गेट के आगे वही खड़े थे, उन्होंने जान बचा जा को टूटा है, वो तो अपनी जान बचा कर बेचारे गए हैं। उन्होंने बोला कि क्या मजा आ रहा है यार, हाँ क्योंकि अब आगे आ गए हैं भाई हनुमान जी, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भाई काम इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन ये कि अब आगे देखते हैं भाई कि किस तरह से आगे पहुँचेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आगे भाई और भी दरवाजे आए वो तोड़ते जाएंगे। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।